सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास विंडोज 11 में विंडोज पीसी में स्पाइडरमैन का ये एरर आ रहा है, रीमास्टर अपडेट योर ग्राफिक ड्राइवर, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। स्टार्ट मेन्यू के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर पर क्लिक कर इसको एक्सटेंड कर देना है। फिर आपको यहाँ पर ग्राफिक कार्ड को आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है। आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर अपडेट हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर अपडेट नहीं होंगे तो आपको लेटेस्ट वर्जन के ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर आपको डाउनलोड करना है। इस विंडो को क्लोज कर लेते हैं। फिर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर सर्च बार में आपको टाइप करना है आपके पास जो भी ग्राफिक कार्ड है, AMD का है या फिर NVIDIA का है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं NVIDIA, यहाँ पर मैं NVIDIA के ड्राइवर से बताने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से आप टाइप कर यहाँ पर इस पर क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों, आपको यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के मॉडल को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं मेरे पास जो है मेरे NVIDIA ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर यहां पर लेटेस्ट वर्जन के शो हो रहे हैं, तो आप यहां पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास NVIDIA ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर डाउनलोड हो जाएंगे। फिर अगर आपके पास AMD के है तो आप यहां पर से AMD ड्राइवर जो है टाइप कर यहां पर से AMD ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर भी जो है यहां से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।